अरे साथ जमीन साथ आसमान और साथ साथ आपका साथ वो आपका साथ अब चले आपके साथ साजिद ब्लॉगर आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ये सफर इंतहाई खूबसूरत है कलाम का, कलाम की खूबसूरत वादियों का नजारा आप करेंगे। दिल फरोज का लाला की जान जंगल है कलाम का, ये कलाम का जंगल है इंतहाई खूबसूरत है, मैं देख भी रहूंगी। आज हमारा जो है ना ये एक स्पेशल जुमला होगा, लाले की जान ये है कलाम। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, सवाद की वादी कलाम। दिल करता है कि यहाँ पर बसेरा डाल ले और जिंदगी यहीं पे गुजार ले। कलाम से निकले तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं और हम पहुंच रहे हैं ओशो के मकाम पर। ओशो एक प्यारी सी वादी है, खूबसूरत से नजारे हैं। हेलो, कैसे हो आप? कैसे हैं जुबैर? कैसा फील कर रहे हैं मेरे भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओशो की वादी जो है वो शुरू हो चुकी है तकरीबन। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जी ओशो में। ओशो एक वादी का नाम है और ये जो है एक जगह पिकनिक पॉइंट है, एक खूबसूरत सी जगह है ओशो। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एंजॉय करते हैं और ये वाकई ये नज़ारे जो हैं ये बहुत दिल फ्रेब हैं, जहन में नक्श कर जाएंगे ये। और ये जो है बहता हुआ दरिया सवात, ये मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे खूबसूरत से पहाड़, ग्रीन लश ग्रीन पहाड़ और साथ में मैंगो का टेस्ट दुबाला हो गया मेरा तो। जितनी मीठी ये वादी है उतना ही मीठा यहाँ का आम भी है। ले जी ओशो को खैर बात कहेंगे और यहां से हम रवाना होंगे। ये मटिलतान है, मटिलतान की खूबसूरत सी वादी है। ये एरिया भी बहुत खूबसूरत है, इंतहाई दिल फरेब नजारे यहां पर। ये रास्ता देख रहे होंगे आप, यहाँ रोड ऐसे ही हैं। ये खूबसूरत सी जगह ये आबशार है और इस जगह का नाम भी आबशार ही है।
इतनी आउटस्टैंडिंग जगह है, इतनी आउटस्टैंडिंग जगह है, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। ओशो के मकाम से हम निकले, मटिल्तान आए और यहाँ अब स्टॉप किया हमने अबशार के पास। ये जगह किस जन्नत से कम नहीं। बारिश यहाँ पर कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है और हम अभी जाने लगे थे लेकिन हमारी गाड़ी वो खड़ी है, हम नहीं जा पा रहे। जैसे बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज लाइक कमेंट्स शेयर एंड सब्सक्राइब।